भिकनगांव नगर में हो रही चोरियों के डर से नगर के दुकानदारों और नगर के नागरिकों को जहां डर का माहौल था, वहीं पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिरों जानकारी एकत्रित कर कार्यवाही की और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के द्वारा चोरी घटना गंभीरता से प्रकरण में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए थे, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार और भिकनगांव अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण कुमार उइके ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी और मशरूका की बरामदी हेतु थाना प्रभारी भिकनगांव निरीक्षक जगदीश गोयल के नेतृत्व में विशेष दल गठित किया गया। उक्त कार्यवाही हेतु मुखबिरों को और पुलिस स्टाफ को सक्रिय कर सूचनाएं संकलित की गई, जिसका परिणाम स्वरूप भिकनगांव पुलिस द्वारा ऑटो पार्ट्स की दुकान में हुई चोरी के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। फरियादी राजेश पिता राधाकृष्ण महाजन ने एक रिपोर्ट लिखाई थी कि इनकी श्रीजी ऑटो पार्ट्स की दुकान में चोरी हुई। इनकी रिपोर्ट पर थाना भिकनगांव में अपराध क्रमांक 112/21-457-380 कायम कर पेज नंबर लिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इस चोरी की घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया था और साथ ही अधीक्षक जगदीश गोयल के निर्देशन में टीम गठित की गई थी और एक विशेष दल का गठन किया गया था और इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। दिनांक 5/4 को मुखबिर की सूचना मिली कि स्कूल ग्राउंड तरफ दो संदेही घूम रहे हैं, जिन्हें पकड़कर बारीकी से पूछताछ की गई, जिन्होंने 25/3 को दुकान में चोरी करना बताया और ये दुकान में पीछे तरफ पतरे उठा कर घुसे थे और जिनसे और सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये पहले भी 11/3 और 30/3 को भी चोरी किए थे। इनसे ऑटो पार्ट्स के बहुत सारे सामान जैसे आयल के डिब्बे, सेल्फ असेंबली, पेचकस किट, प्लायर, रिंग पाने, एलन की पाना, ग्रीस डिब्बे, मोटरसाइकिल की क्लच प्लेट, पट्टी पाना, टाइमिंग चेन इत्यादि लगभग 5,000 कीमत का बरामद किया गया है। सर, नगद राशि भी कुछ जब्त हुई? नगद राशि भी कुछ जब्त हुई थी इनसे, लेकिन जो है अभी इन्होंने कुछ सामान पानी की टंकी में भी छुपाया था, जिसे बाद में बरामद किया गया है। अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, जिसे अग्रिम पूछताछ की जाएगी। सर, इसमें फरियादी के द्वारा तो बहुत मतलब लाखों की सामान बताया गया था कि इतनी चोरी हुई है और ऐसा नहीं, ऐसा तो अभी इसमें आया नहीं है और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।